एक बार चिड़ियों के जंगल में अकाल पड़ जाता है, जिसके कारण चिड़ियों को अपने घर को उठा करके दूसरे जंगल में ले जाना पड़ता है। तो फ्रेंड इस तरह से चिड़िया अपने घर को उठा करके दूसरे जंगल ले जा रही होती हैं। आपने सीखा है, सीखेंगे कि किस तरह से चिड़िया अपने पैरों से दूसरी जगह सामान। हेलो फ्रेंड, आज हम फिर से लेकर आ चुके हैं आपके सामने एक कार्टून वीडियो बनाने का बिल्कुल ही नया तरीका, बिल्कुल ही आसान तरीका, बिल्कुल ही सबसे अच्छा और आसान तरीका। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि किस तरह से हमने इस एनिमेशन को क्रिएट करना है और स्टेप बाय स्टेप हम बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कमलेश यादव, स्वागत करता हूं वीडियो बेस्ट एनिमेटिव यूट्यूब चैनल में। यदि आपको कार्टून वीडियो एंड कॉपी पास्ट से अर्निंग करना अच्छा लगता है या फिर आप अर्निंग करना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड आपको सबसे पहले क्या क्या करना है, जैसा कि आपने वीडियो क्लिप में देख लिया है हम कौन सी एनिमेशन को पार्ट बाय पार्ट बनाने वाले हैं। इस एनिमेशन में एक पार्ट बताने वाला हूं फ्रेंड, क्योंकि आप सब वीडियो नहीं देखते, फुल वीडियो को नहीं देखते, जिससे हमारा दिल यार छोटा हो जाता है। हम इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो प्रोवाइड कराते हैं और आप क्या करते हैं, 2-2.5-3 मिनट की वीडियो देख करके स्किप कर देते हैं। तो ऐसा फ्रेंड आप क्यों करते हैं कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना, जो भी कोई प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फ्रेंड जो जो आपको प्रोडक्ट चाहिएंगे, जो जो आपको एप्लीकेशन चाहिएगी, उनको मैं यहाँ पर बता ही देता हूँ फ्रेंड। तो यहाँ पर आपको कौन कौन सी एप्लीकेशन चाहिए, चलिए मैं बताता हूँ। देखिए फ्रेंड, सबसे पहले आपको कौन सी एप्लीकेशन यहाँ पर चाहिए वाली है, तो सबसे पहले आपको सर्च मैन इमेज एप्लीकेशन चाहिएगी, और सेकेंड एनिमेशन आपको सेकेंड जो मतलब कि प्रोडक्ट चाहिएगा फ्रेंड, ये बैकग्राउंड इरेजर का और पिक्सल लैब का, बस यही, और एक कान मास्टर जो आप मोड कर सकते हैं या फिर कोई भी कान मास्टर यूज कर सकते हैं, आपको कान मास्टर भी यूज चाहिएगा। अब फटाफट से आपने सभी चीज़ों को आपने खोला, सबसे पहले इससे आपको बैकग्राउंड डाउनलोड कर लेना है, जैसा आपका फोटो इमेज कोई भी आप डाउनलोड करना चाहें वो डाउनलोड कर लीजिए। और फिर इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई है, उस वीडियो को आपको आधा देखना पड़ेगा, किस तरह से आपको बैकग्राउंड क्रिएट करना है, किस तरह से आपको वहाँ पर इस पिक्सल लैब एप्लीकेशन से सेलेक्ट करना है, फोटो इमेज सब कुछ सेलेक्ट करना है, सब कुछ उस वीडियो में देख लेना। डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगा और आई बटन सब चीज़ में आपको डिस्क्रिप्शन सब में आपको लिंक मिल, झटापट जाकर उस लिंक पर क्लिक करके मेरे दोस्तों ज़रूर से ज़रूर उस वीडियो को देखिए, फिर इस वीडियो को देख लीजिए, जिससे कि आपका डाउट क्लियर और सब काम आपके सिद्ध हो जाएंगे फ्रेंड। तो चलिए अब हमको कान मास्टर एप्लीकेशन को सबसे पहले ओपन करना है, तो फटाफट से हम कान मास्टर एप्लीकेशन को ओपन करेंगे और उस बैकग्राउंड को यहाँ पर शेड करेंगे। तो देखिए फ्रेंड, हमने कान मास्टर एप्लीकेशन को ओपन किया है, प्लस वाले आइकन पर क्लिक किया है, शोल्डर अनुपात 9 को सेलेक्ट किया है। अब फ्रेंड इतना करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस होगा, फिर आपको मीडिया वाले ऑप्शन में जाना है और यहाँ मीडिया वाले ऑप्शन पर जाकर यहाँ से आपको एक अच्छा सा बैकग्राउंड यहाँ से सेलेक्ट करना है, सर्च मैन इमेज बैकग्राउंड से डाउनलोड करके यहाँ पर एक डाउनलोड कर लेना है और इसमें सेलेक्ट कर देना है। सो फ्रेंड हमने यहाँ पर बैकग्राउंड को शेड कर लिया। अब बैकग्राउंड को शेड करने के बाद यहाँ पर हमको फिर से लेयर वाले ऑप्शन पर जाना है और यहाँ से जो हमने पिक्सल लैब से अपने इमेज बनाए हैं और जो भी आप उस वीडियो में देखेंगे कि इस तरह से आपको सब कुछ क्रिएट करना है, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो फटाफट से मैं यहाँ से वो इमेज सेलेक्ट करता हूँ, देखिए यह घर हमने सेट किया है, इस घर को भी यहाँ पर कुछ इस तरह से हमको एडजस्ट कर देना होगा इस तरह से। अब ठीक है, इसका आकार हमको छोटा करना है। फ्रेंड कभी कभी आपको इस एनिमेशन की बहुत ही ज़रूरत पड़ने वाली है जब आप इस एनिमेशन को क्रिएट करेंगे, तो इसकी जो टाइमलाइन है फ्रेंड, जितना आपने बड़ा बैकग्राउंड किया है उतनी बड़ी इसकी टाइमलाइन कर दी जाए, जितनी आप बड़ी वीडियो बनाना चाहते हैं। तो मैं फटाफट से दूसरा भी घर यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। सो फ्रेंड यहाँ पर हमने दोनों जो घर थे हमने ऐड कर दिया। अब बारी आती है चिड़िया की, वीडियो क्लिप तो देख ले, लेकिन फ्रेंड आप फुल वीडियो को देखोगे तो ज़रूर से ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे एंड वीडियो को लाइक करोगे, क्योंकि चैनल कुछ अच्छी वीडियो प्रोवाइड कराता है, मैं अपनी तरफ से अच्छी वीडियो प्रोवाइड कराता हूँ। यदि आपको कोई भी कहीं भी कभी भी प्रॉब्लम आती है तो यार डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, इतनी हेल्प कोई नहीं कर सकता, इतनी अच्छी जानकारी कोई नहीं दे सकता, मैं आपको वादा दिलाता हूँ भाई। आप कहीं भी YouTube पर पूरे YouTube पर छान मारिए, आप ऐसी वीडियो मुझे बताइए और मेरे पास लिंक को भेजिए कि आपसे अच्छी वीडियो जो बंदा बनाता है हम इसलिए आपके चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए और जो भी मेरे से अच्छी वीडियो बनाता है उसके मेरे पास लिंक सेंड करिए, मैं देखता हूँ कि वो बंदा किस तरह से वीडियो बनाता है, मैं भी उसी की तरह वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो फटाफट से मैं यहाँ पर चिड़िया ऐड करता हूँ। फ्रेंड आपको सब कुछ यूट्यूब पर फ्री में मिल जाएगा,
जो भी चीज़ आपको डाउनलोड करनी है फटाफट से जाइए यूट्यूब से डाउनलोड कीजिए। सो मैंने यूट्यूब से ऑलरेडी चिड़ियों को डाउनलोड कर लिया। वो कैसी चिड़िया आपको डाउनलोड करनी है फ्रेंड? उड़ने वाली चिड़ियों को आपको यूट्यूब से डाउनलोड करना है। अब डाउनलोड करने के बाद यहाँ से फटाफट से उन चिड़ियों को ऐड कर देना है और कर देना यार, ठीक है ना? तो फटाफट से मैं यहाँ पर चिड़ियों को ऐड कर देता हूँ। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर आपको इस वीडियो का क्रोमा की करना है। जब आप इस बर्ड को ऐड करेंगे तो क्रोमा की करने के लिए आपको नीचे की ओर स्क्रॉल करना है। क्रोमा की करने के बाद आपको कुछ स्टेप हैं, उनको आपको फॉलो करना है। देखिए, इसे इनेबल कर देंगे, हमारा क्रोमा की बड़ी ही आसानी से हो जाएगा फ्रेंड। अब हमें क्या करना है, इस टाइम लाइन पर ही हमको क्लिक करना है, देखिए इस तरह से। और जो यहाँ पर आप डॉट लाइन यहाँ पर आपको नज़र आ रही है फ्रेंड, यह वाली डॉट लाइन, इसको आपको फुल पर्दे में कर देना है, ठीक है? यदि आपको यह देखनी नहीं चाहिए, मेरा कहने का मीन्स ये कि आपको यह नज़र नहीं आनी चाहिए, दोनों फिंगर को रखना है इस तरह से, इसे जूम कर देना है और फिर टाइमलाइन के यहाँ पर बैक चलना है। और बैक चलने के बाद यहाँ पर देखना कि कहाँ से ये चिड़िया हमारी बाहर आ रही है, उसी पार्ट को यहाँ पर रखना है। अदर पार्ट को जितनी देर ये चिड़िया हमारी अंदर रह रही है, उस पार्ट को यहाँ से हमको कट करके निकाल देना है, क्योंकि हमें इस कोई भी नहीं हमें अदर पार्ट की कोई भी ज़रूरत नहीं है फ्रेंड। तो यहाँ से इस पार्ट को हम कट कर देंगे, क्योंकि इस पार्ट में हमें ज़्यादा देर इसको नहीं रखना है फ्रेंड। तो इस तरह से हमको यहाँ से कर देना है। अब फ्रेंड, दूसरी चिड़िया को ऐड नहीं करना है, पहले आपको इस की सहायता से, इस चिड़िया को की सहायता से इस घर से अटैच करना है, ठीक है फ्रेंड? किस तरह से अटैच करना है वो देख लीजिए। अब देखिए फ्रेंड, इस क्या करना है आपको, जो आपने जो चिड़िया ऐड की है, पहले आपको इस घर पर क्लिक करना है, जो भी आप इससे घर को अटैच करना चाहते हैं। तो फिलहाल मैं इस घर पे अटैच करना चाहता हूँ। देखिए, इसमें घर की टाइमलाइन पर क्लिक कर दीजिए या फिर इसके फीचर पर क्लिक कर दीजिए। इस तरह से इस घर को थोड़ा छोटा करना है, और जैसे फ्रेंड आप छोटा करेंगे तो यहाँ पर एडजस्ट कर देना है। फिर आपको चिड़िया वाली टाइमलाइन पर क्लिक करना है, और चिड़िया वाली टाइमलाइन पर क्लिक करने के बाद चिड़िया को कुछ इस तरह से आगे की ओर लाना है। और जैसे फ्रेंड आप आगे की ओर लाएंगे, फिर से आपको चिड़िया वाली लेयर पर क्लिक करना है और इसे कुछ इस तरह से ऊपर की ओर ले जाना है। अब ऊपर की ओर क्यों ले जा रहे हैं फ्रेंड? क्योंकि इसके साथ हम घर को अटैच करने वाले। अब फिर हम बैक आ गए, इस घर को घर वाली टाइमलाइन पर क्लिक करना है इस तरह से, देखिए इस तरह से। और फिर सॉरी फ्रेंड्स, इस तरह से जो ऊपर वाली टाइमलाइन है इस पर क्लिक करना है इस तरह से, और इसे घर को इस तरह से इसके अंदर सटा देना है, ठीक है फ्रेंड? इसके अंदर कर देना है अपने घर के लिए। तो फटाफट से हम इसके घर के इस घर को इसके अंदर प्रवेश करा ही देते हैं फ्रेंड। तो इस तरह से क्लिक करना है और फटाफट से इसे कर देना है फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, को इस तरह से इसके पैरों में इस घर को अटैच करना है, और फिर क्या करना है, इस टाइमलाइन को कुछ इस तरह से बैक ले जाना है धीरे धीरे। अब जैसे हमारी टाइमलाइन बैक जाएगी, इस घर को भी कहीं पर भी क्लिक करिए, घर के पास कहीं पर भी क्लिक कर दीजिए, ठीक है ना? और फिर इस तरह से इसे ले जाइए। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर क्लिक करना होता है, और फिर इस घर पर हमको क्लिक करना है, और कुछ इस तरह से इस घर को यहाँ पर एडजस्ट करना है, और फिर थोड़ी टाइमलाइन को यहाँ पर फिर पीछे करना है, फिर पीछे करना है, और देख लेना है कि हाँ, जो हमारा घर है फ्रेंड, वो इसकी पैरों तले ही आना चाहिए। यानी कि मेरा कहने का मीन्स है, इनके पैरों के जस्ट नीचे आना चाहिए, जिसके कि किसी को पता ना चले कि ये घर को उठाकर ना ले जा रही है, बल्कि चिपकाया गया है, ठीक है फ्रेंड? इस तरह से हमारी एनिमेशन क्रिएट होने वाली है। तो अब की के ऑप्शन पर क्लिक करना है, घर वाल जो घर है हमारा, इसी टाइमलाइन पर क्लिक करना है, घर को प्रेस करना है और की प्रेस कर देना है, फिर आगे बढ़ाना है। और जैसे हमारी चिड़िया की टांगें आगे आ रही हैं, तो इस घर को भी इस तरह से हमको क्लिक करके एडजस्ट कर देना है। तो फ्रेंड, इस तरह से जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, वही प्रोसेस यहाँ पर अप्लाई कर देना है, तभी आपकी कार्टून बन पाएगी फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, एनिमेशन को क्रिएट करने से पहले आपको छोटी सी जानकारी देता चलूँ, जहाँ तक आप इस एनिमेशन को क्रिएट करना चाहते हैं, वहीं तक आपको इस टाइमलाइन को रखना है, ठीक है फ्रेंड? वहीं तक आपको इस टाइमलाइन को रखना है। यदि आप बाद में इस टाइमलाइन को कट करते हैं या फिर इसको बढ़ाते हैं, तो आपको प्रॉब्लम होगी और फिर आप इस एनिमेशन को क्रिएट नहीं कर पाएंगे। तो मान लीजिए मैं इस टाइमलाइन को यहाँ तक क्रिएट करना चाहता हूँ, इस कार्टून को, तो यहाँ से जो भी मेरे पार्ट हैं, मैं उन सभी पार्ट को यहाँ से कट कर दूँगा, क्योंकि जो मेरी चिड़िया है यहाँ आ करके इस घर में अंदर चली गई है। यानी कि जो हमारा ये बैकग्राउंड है, इसमें हमारी जो चिड़िया है अंदर चली गई, यहाँ आकर देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पर थोड़ी नज़र आ रही है यहाँ पर, और यहाँ से धीरे धीरे हमारी चिड़िया अंदर चली गई। अब ठीक है फ्रेंड, यहाँ तक हमें इस एनिमेशन को क्रिएट करना है की सहायता से।
तो फटाफट से मैं बता रहा हूँ वैसे करना है। देखिए इस तरह से हमारा घर वहीं पर रखना है जो चिड़िया के जस्ट टांगों के नीचे, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पर मैं वही करता हूँ जो मैं आपको बता रहा हूँ फ्रेंड। सो फ्रेंड आपको वही प्रोसेस करना है, फिर कीपर प्रेस करना है और इस घर को जितना जो चिड़िया आगे बढ़ रही है वहीं पर इस घर को इसके सटीक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कान मास्टर मुझे लगता है कि शायद यहाँ पर गलती कर रही है, जिसके कारण यहाँ पर मुझे एनिमेशन इसे क्रिएट करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि देखिए फ्रेंड इस तरह से मैं इस पर फिंगर रख रहा हूँ तो ये ऐसा नहीं हो रहा कि ये जो फटाफट से अपने आप ही कर दे। आपको क्या करना है, जैसे आप घर को आगे ले जाएंगे और चिड़िया के जो चिड़िया है उससे आपको इस घर को अटैच करते ले जाना है। यदि आप की को बारीकी से समझने जाते हैं तो मेरी वीडियो बनी हुई है, वह देख सकते हैं। यहाँ पर ये कान मास्टर मुझे लगता है गड़बड़ कर रही है, जिसके कारण मैं यहाँ पर अच्छी तरह से एनिमेशन को क्रिएट नहीं कर पा रहा हूँ। तो फटाफट से आपको क्या करना है, देखिए फ्रेंड एक बार और ट्राई करते हैं। इस पर क्लिक करना है और जो हमारा घर है इस पर क्लिक कर देना है। देखिए फ्रेंड वही प्रोसेस फिर हुआ, तो फटाफट से मैं कर ही देता हूँ फ्रेंड। देखिए कुछ करता हूँ। और फ्रेंड आपको एक बात का और ध्यान रखना है यहाँ पर कि जब भी आप इस क्रोम इस की की सहायता से इस घर को ले जाएं तो कहीं भी आपका जो हाथ है अडिग नहीं होना चाहिए। यानी कि एक बार आपका जो कोई भी इमेज है उससे टकरा गया इस तरह से तो आपका हलना नहीं चाहिए, यानी कि दोबारा हटना नहीं चाहिए, समझ गए फ्रेंड। जैसे कि मैं यहाँ पर इस घर को ले जा रहा हूँ तो एक बार मैंने इस घर से हाथ को इस तरह से अटैच किया और मुझे जहाँ पर एक बार में ही रख देना, जहाँ पर मुझे इस तरह से सेट करना है तो मुझे एक बार में ही वहाँ पर सेट करना होगा। यदि मैंने बार बार इसको हिलाया डुलाया तो फ्रेंड इसकी एनिमेशन जो भी है हमारी गड़बड़ हो जाएगी। तो फ्रेंड इस तरह से आपको ले जाना है और ऐड कर देना है। अब जहाँ पर हमारी चिड़िया बाहर जा रही है तो इस घर को भी हमको बाहर कर देना होगा इस तरह से। तो फ्रेंड हमारी एनिमेशन बन चुकी है कुछ इस तरह से। अब देखिए फ्रेंड कुछ अच्छी खासी हमारी एनिमेशन यहाँ पर बनी होगी, देख सकते हैं फ्रेंड कुछ इस तरह से हमारी एनिमेशन बनी हुई है। चिड़िया हमारी है भाई लेकर के जा रही है फ्रेंड इस तरह से। यदि आपको एनिमेशन पसंद आ रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। तो अब क्या करेंगे फ्रेंड, अब उसी तरह से दूसरी चिड़िया को घर को ले जाते हुए सेम प्रोसेस से इसी तरह से यहाँ पर ऐड करेंगे। लेकिन फ्रेंड यहाँ से उस चिड़िया को ऐड करना है, क्योंकि यदि दोनों चिड़िया एक साथ ही जाएंगी फ्रेंड तो यहाँ पर दोनों चिड़िया इतने छोटा बैकग्राउंड में आ नहीं सकती, तो जिसके कारण हमें दोनों चिड़ियों को आगे पीछे यहाँ पर रखना होगा। तो फटाफट से मैं उस चिड़िया का भी की करके मिलता हूँ या फिर थोड़ा आपको दिखा दूँगा। देखिए फ्रेंड सेम प्रोसेस इस चिड़िया में करना है, इस पिजन में करना है आपको। लेकिन फ्रेंड आपको एक काम करना है, स्टैमिना पर क्लिक करना है और यहाँ जो इसकी स्पीड मिलेगी थोड़ी इसकी स्पीड को कम करना है। यदि आप पहली वाली चिड़िया की स्पीड को कम या ज़्यादा करते हैं तो वहाँ पर एनिमेशन में कुछ भद्दापन आ जाएगा और फिर आप उस एनिमेशन को क्रिएट नहीं कर पाएंगे फ्रेंड। यहाँ पर देखते हैं स्पीड का ऑप्शन, फ्रेंड इस कान मास्टर में शायद स्पीड का ऑप्शन नहीं है, लेकिन मैं ढूंढता हूँ और स्पीड को थोड़ा कम करना है, ठीक है फ्रेंड कम करना है, ठीक है तो कम कर देता हूँ। सो फ्रेंड यहाँ पर हमने दोनों एनिमेशन को सेम प्रोसेस से जैसे आपको बताया था वैसे ही हमने दोनों एनिमेशन को क्रिएट कर दिया था। पहले एनिमेशन आपको आपके सामने दिखाई थी की सहायता से किस तरह से एनिमेशन क्रिएट करनी है, और दूसरी एनिमेशन हमने कुछ इस तरह से यहाँ पर क्रिएट की है। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर एनिमेशन को मैं क्रिएट कर रहा हूँ, तो फटाफट से आप देख लीजिएगा फ्रेंड। इस तरह से हमारी एनिमेशन बनी हुई है। अब फ्रेंड बारी आती है इसमें वॉइस को ऐड करने की। यहाँ पर क्लिक करना है और ओके कर देना है, स्टार्ट कर देना है। यहाँ से ओके करेंगे, स्टार्ट करेंगे, यहाँ से कुछ इस तरह से आपकी यहाँ पर वॉइस ऐड होनी शुरू हो जाएगी। अब फ्रेंड वॉइस ऐड करने के बाद आपको क्या करना है, इसे एक्सपोर्ट कर देना है। देखिए फ्रेंड एक्सपोर्ट किस तरह से करेंगे वो आपको यहाँ से ध्यान से सुन लेना होगा। फ्रेंड रिकॉर्डिंग चलते समय मैं वॉइस को ऐड नहीं कर सकता, इसके सामने इंटरफेस आ रहा है। जो एरो आपके सामने नज़र आ रहा है इस एरो पर आपको क्लिक कर देना होगा। इस एरो पर जैसे फ्रेंड आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो वीडियो आपने सबसे पहले बनाई है उस वीडियो पर सबसे अभी बनाई है फिलहाल जस्ट उस पर आपको क्लिक कर देना है। अब फ्रेंड शेयर का ऑप्शन मिलेगा, इसको आपको क्लिक कर देना है। जैसी आपकी कान मास्टर उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मैं जो भी प्रोसेस बता रहा हूँ उसको आप फॉलो करना। जो भी आपकी पुरानी कान मास्टर है तो उसको आपको क्या करना है, सिंपली एरो पर क्लिक करना, डायरेक्ट आप यहाँ पर आ जाएंगे इस पेज पर और यहाँ से इस तरह से इसको इस तरह से बढ़ा देना है। और यहाँ पर कुछ इस तरह से बढ़ाने के बाद यहाँ पर 60 कर सकते हैं फ्रेंड, जितना आपकी मर्ज़ी हो। तो फिर अब फिलहाल
48 कर देता हूँ इसकी, और यहाँ से एक्सपोर्ट बटन पर क्लिक कर देंगे इस यहाँ से। तो फटाफट से मैं एक्सपोर्ट करता हूँ, जब तक वीडियो एक्सपोर्ट हो रही है तब तक आपको चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना है। यह फ्रेंड वीडियो का पार्ट है, यदि आपको इस कार्टून वीडियो से कुछ सीखने को, समझने को कुछ प्राप्त हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना एंड बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना। तो फ्रेंड आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं इसी धमाकेदार एनिमेशन के द्वारा, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।